नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। एक बड़ी अपडेट आ रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बुलंदशहर दीप्ति त्रिपाठी ने एक आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश हम आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, ये आदेश है शीतलहर सर्दी को देखते हुए अवकाश का 14 जनवरी तक जो है बुलंदशहर जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय हाईस्कूल तो बंद रहेंगे ही, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का फैसला किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय से भी छोटे हैं। इसका हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि ठंड से कोई बचाव का साधन ना होने की वजह से जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित होने वाले जो है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों लाभार्थियों को शीतकालीन सत्र में कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर से बचाने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 जनवरी 2024 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि अवकाश अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे और आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा टेक होम राशन का वितरण करते हुए सामुदायिक गतिविधियों और अन्य शासकीय कार्यों का निष्पादन पूर्व की भांति ही किया जाएगा। दीप्ति त्रिपाठी जिला कार्यक्रम अधिकारी बुलंदशहर जनपद में है। इनकी ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में फिलहाल 14 जनवरी तक जो है जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखे, लाइक और शेयर नहीं करना है तो करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें। उत्तर प्रदेश के अगर बुलंदशहर से इस खबर को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।